बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम चिकन ब्रोस्ट बनाएंगे। इसके लिए हम लिए हैं चिकन विंग्स। ये देखें, इसे अच्छी तरह से धो लिए। इस तरह का विंग्स है। और 2 चम्मच चिल्ली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस और आधी चम्मच काली लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर। और आधी चम्मच नमक और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1/2 किलो मैदा कुटिंग के लिए। सबसे पहले हम विंग्स में सोया सॉस और चिल्ली सॉस डालेंगे। अब लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डालेंगे। और इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बनाना बहुत आसान है, आप भी बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें मसाला नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे ढककर। आप चाहें तो 1 घंटा भी रख के बना सकती हैं। ये 2 घंटा हो चुका है। अब मैदा में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1-1 विंग्स लेकर मैदा में अच्छी तरह से कुटिंग करेंगे। अच्छी तरह से लगा लेंगे इस पे मैदा। अब इसे एक बाउल में पानी रखेंगे, उसमें हल्का सा डुबोएंगे, फिर निकाल कर फिर दोबारा से इसमें मैदा लगाएंगे। इस तरह से बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से बनता है, अंदर सॉफ्ट होता है, बहुत ही मज़े का बनेगा। इसी तरह से सारे को कर लेंगे। ये देखिए, सब हो चुका है कुटिंग। फ्राई पैन में हम तेल रख दिए थे गर्म होने के लिए। अब इसमें विंग्स डालेंगे। ये सारा जितना आ सकेगा उतना इसमें भी डालेंगे और इसे एक साइड से खूब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, फिर पलटेंगे। देखिए, एक साइड से हो चुका है, अब इसे पलट लेंगे। देखिए, गोल्डन हो चुका है। ये सारा पलट के फिर इसी तरह से दूसरे साइड से भी कर लेंगे गोल्डन। देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये हो चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बना है।
बिल्कुल बाहर के जैसा ब्रोस्ट बनाइए। अब इसे डिश आउट करेंगे या आप हरी चटनी के साथ केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। आप भी बनाएं, खाएं, खुश रहें, आबाद रहें, घर वालों को खिलाएं। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।